दोस्तों, ईपीएफ ग्राहकों को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको स्क्रीन पर अपडेट दिख रही होगी। ईपीएफओ ग्राहकों के लिए ज़रूरी है यह सर्टिफिकेट, जानिए कैसे मिलेगा आपको। दोस्तों, इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ और जानते हैं पूरा डिटेल से। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के कई ग्राहक रिटायरमेंट के समय पेंशन के पात्र हो सकते लेकिन इसके लिए उन्हें स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लगभग 3.3 लाख पेंशन भोगी हैं। नियोक्ता आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते यानी डीए का 8.33% कर्मचारियों की पेंशन योजना यानी ईपीएस में ईपीएफओ अंशदान के रूप में जमा करता है। हालांकि अधिकतम कैंप 1250 रुपए है। आप 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट पर पेंशन के हकदार हैं। यदि आप 50 से 57 साल के बीच नौकरी छोड़ देते हैं तो आप कम पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। यदि आप 58 साल के बाद भी ईपीएफ में काम करना और योगदान करना जारी रखते हैं तो आप 58 साल की उम्र से पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफ में 10 साल से कम समय के लिए योगदान करने वाले भविष्य निधि योगदानकर्ताओं को 58 साल की उम्र में या तो राशि निकालने या पेंशन प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। अगर आपने 6 महीने से कम समय तक काम किया है तो आप ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन राशि नहीं निकाल पाएंगे। स्कीम सर्टिफिकेट पेंशन के लिए एक पॉलिसी की तरह है क्योंकि जॉब बदलने पर यह पेंशन अकाउंट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। पेंशन का दावा करने के लिए आपके पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईपीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि सदस्य जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष का योगदान किया है और 58 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से योजना प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसकी अंशदान अवधि 10 वर्ष से कम हो गई है। वे अपनी पेंशन सेवा को आगे बढ़ाने के लिए योजना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यदि योजना प्रमाण पत्र धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पेंशन मिलेगी। नौकरी बदलते समय पीएफ सब्सक्राइबर को ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी सेवा को नए कंपनी में ट्रांसफर कर देना चाहिए। जिन लोगों ने पहले ही 10 साल के लिए ईपीएफ में योगदान दिया है और आगे काम करने का इरादा नहीं है, वे 50 से 58 वर्ष की आयु में पेंशन प्राप्त करने के लिए योजना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निकासी लाभ और योजना प्रमाण पत्र का दावा करने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा, उसके बाद ही आपको योजना प्रमाण पत्र मिलेगा। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या आपको ईपीएफ के इस नियम के बारे में पता था या फिर नहीं था, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोग देश के किस राज्य से ईपीएफ ग्राहक हैं, जिससे कि आगे मुझे न्यूज़ देने में मदद मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।